नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था ना, वो इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी है जो हाई कोर्ट में लगने का सपना लेकर के बैठे थे। तो यहाँ पे आपको वो अपडेट देने वाला हूँ, जो कि लॉकडाउन में वैकेंसी आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस वजह से उस वैकेंसी को फॉर्म चालू हो गए थे, लेकिन उसे वापस से क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, यानी कि यूँ कहूँ मैं कि पोस्टपोन कर दिया गया था। तो वो वैकेंसी वापस से स्टार्ट होने वाली है, यानी हो चुकी है। पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और एक एक चीज को गौर से समझते हुए चलिएगा। देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट में जो वैकेंसी एलडीसी लॉ डिवीजन क्लर्क है, इसके साथ और भी पोस्ट आई, लेकिन वो शायद बहुत कम लोगों के काम की होती, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट है उनके बारे में मैं बात करूंगा। लीगल ऑफिसर की भी पोस्ट है, उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, और वैसे डिटेल वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आपको अभी जानना हो कि सर इसके लिए हमें क्या नीड होगी, क्या चीज़ों की जरूरत होगी, तो इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ उसके अंदर बताया हुआ है, तो वो चीज़ आप देखते हुए चलिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप लेके चलते हो तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। उसके साथ फीस वगैरह सारी की सारी डिटेल में एक अलग से आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, कमेंट करके, कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा। सबसे बड़ी अपडेट की सर, ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होगी, ये जो नोटिस आया है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये नोटिस आज 18/9/2020 का नोटिस है, ठीक है। इसमें जो आपके आवेदन है वो ऑनलाइन कब से स्टार्ट होंगे, पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आपके आवेदन स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर से 1/10/2020 से, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर से लेकर के आपका 1 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 नवंबर 2020 तक चलेंगे। तो अगर आप हाईकोर्ट में लगने का सपना देख करके बैठे हैं, अब आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होंगे, तो आपको इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले इसमें क्या होता था, सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश मिलती थी, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको हिंदी और इंग्लिश मिलती थी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के अलावा आपको यहाँ पे क्या होता था, 75 क्वेश्चन 75 करके 150, ये इस तरीके से एग्जाम ली जाती थी, लेकिन अब इसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे आपके 50 50 और 50 के रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, और आपके 50 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके के होंगे, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस बनेंगे। जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी है, इसके अंदर मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं होगा, बस बाकी ये 3 ही सब्जेक्ट होंगे। आप अपने लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करके ये जॉब ले सकते हो। इसके बाद आपको अच्छे से पता होगा इसके अंदर टाइपिंग की नीड होगी, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो वो तो 1 महीने का काम है, लेकिन अगर आप इसमें सपना लेकर के बैठे थे कि मुझे राजस्थान हाईकोर्ट में लगना है या कोर्ट के अंदर जॉब लेना है, तो इस मौके को आप चूक मत जाइएगा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। आपको पता है कि जिस क्राइसिस से अभी आप निकले हो ना, वापस लाइफ में ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आपको अभी इस चीज के लिए अवेयर हो जाना होगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी, व्हाट्सएप का भी लिंक यहां पर दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर ऐड हो सकते हो, ठीक है, FB पे मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे इससे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएगा, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और एक कमेंट और एक लाइक करके जरूर बताएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्दी ऐसी इंफॉर्मेशन की पूरी डिटेल के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।